नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब से अपील है कि यदि आप महंत नरेंद्र गिरी जी के केस से संबंधित हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियोस देखना चाहते हैं इस अभियान से संबंधित, तो कृपया हमारे चैनल के अंदर विजिट करके इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं जिसका नाम है महंत नरेंद्र गिरी, या फिर यह प्लेलिस्ट ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया महंत नरेंद्र गिरी जी को न्याय दिलाने से संबंधित हमारे द्वारा बनाई गई इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। मेरा पूर्ण प्रयास है कि जब तक नरेंद्र गिरी जी को न्याय मिल ना जाए, मैं इस केस के साथ लगा रहूं। साथियों, महंत नरेंद्र गिरी जी के तथाकथित आत्महत्या के केस में तथाकथित मुख्य आरोपी माने जा रहे आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्य तिवारी का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए सीबीआई ने हाईकोर्ट यानी कि प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे प्रयागराज हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों से रायशुमारी करने के पश्चात खारिज कर दिया है। दरअसल भारत में लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किसी का तभी करवाया जा सकता है जब वह उसके लिए सहमति व्यक्त करे। सीबीआई ने अपील में कहा था कि इस केस की जांच के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराना अत्यंत ही आवश्यक है। अब चूंकि भारत में लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए उस व्यक्ति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, इस कारण हाईकोर्ट ने तीनों ही आरोपियों से यह सहमति मांगी थी कि क्या वह अपनी अनुमति देते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए, जिस पर तीनों ही आरोपियों ने या तथाकथित आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया। आरोपियों के द्वारा इनकार किए जाने के पश्चात हाई कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। इस पर आनंद गिरी के वकील सुधीर श्रीवास्तव का कहना है कि सीबीआई ने हिरासत में लिए गए तीनों मुख्य आरोपियों के द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने का हवाला देते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपील दायर की थी, लेकिन क्योंकि यह टेस्ट केवल और केवल तीनों तथाकथित आरोपियों की सहमति से ही करवाया जा सकता था, इस कारण सीजेएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन तीनों तथाकथित आरोपियों के साथ संपर्क साधा और जानना चाहा कि क्या वह इस टेस्ट के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, जिस पर तीनों ने ही इनकार कर दिया। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अमुक व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसके अंतर्गत जिन चीजों को मेजर किया जाता है या जिन बातों को मेजर किया जाता है वे हैं सांस की गति, ब्लड प्रेशर, व्यक्ति की पल्स रेट, शरीर से निकलने वाला पसीना तथा हाथ पैरों का मूवमेंट। इस विषय पर बुद्धिजीवियों का कहना है कि क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना एक तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है, अतः यह कभी कभी निर्दोष लोगों को भी दोषी सिद्ध कर सकता है। पॉलीग्राफ के साथ साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को तनाव महसूस होने की संभावना हो सकती है, इस कारण पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ की पहचान करने में तो बहुत अच्छा है, परंतु यह सत्य की पहचान करने में उतना अच्छा नहीं है। अर्थात ये तो बता सकता है कि सामने बैठा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, परंतु ये नहीं बता सकता कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति आरोपी है या नहीं है। अब यहां यह संभव है कि तनाव के कारण हो सकता है आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी के अंदर ये सारे सिम्टम्स पॉलीग्राफ मशीन पकड़ ले और इसी आधार पर सीबीआई इनको कसूरवार या मुख्य आरोपी सिद्ध कर दे और आगे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के इन तीनों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और मुख्य आरोपी हमेशा के लिए बच निकले। यदि पॉलीग्राफ टेस्ट कराना इतना ही आवश्यक है तो इन तीनों का भी करवाइए और साथ में बलबीर गिरी का भी करवाइए। आखिर बलबीर गिरी को खुले सांड की तरह क्यों छोड़ा गया है? सीबीआई उतनी ही कड़ाई से बलबीर गिरी से भी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है जितनी की इन तीनों के साथ? क्यों इस मुद्दे को जबरदस्ती आत्महत्या का मुद्दा बनाकर सिर्फ इसी एक एंगल से जांच पड़ताल हो रही है? मर्डर वाले एंगल से क्यों जांच पड़ताल सीबीआई नहीं कर रही है? यह सीबीआई पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
जितनी कड़ाई के साथ पूछताछ इन तीनों तथाकथित आरोपियों यानी कि आनंद गिरी, संदीप तिवारी या आद्या तिवारी के साथ सीबीआई कर रही है, उतनी ही कड़ाई के साथ पूछताछ बलबीर गिरी से क्यों नहीं हो रही है, मर्डर एंगल से जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का उत्तर सीबीआई को देना पड़ेगा। यदि तनाव के कारण सारे सिम्टम्स पॉलीग्राफ टेस्ट में इन तीनों के पकड़े जाते हैं तो इन्हीं आधारों पर सीबीआई इनको मुख्य आरोपी मानते हुए कसूरवार सिद्ध कर देगी और आगे के सारे रास्ते इनके लिए बंद हो जाएंगे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के। और यदि पॉलीग्राफ टेस्ट कराना इतना ही आवश्यक है तो इन तीनों के साथ ही बलबीर गिरी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराए ना सीबीआई, क्यों नहीं करवा रही है? और मुझे यह नहीं समझ में आता कि सीबीआई इसको जबरदस्ती क्यों आत्महत्या का मुद्दा सिद्ध करने में लगी हुई है। आत्महत्या के एंगल के अतिरिक्त इसको हत्या या मर्डर के एंगल से इसके विषय में जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है, यह समझ के परे है। महंत नरेंद्र गिरी जी अमर रहें, उनको माँ भगवती अपने श्री चरणों में स्थान दें और मुख्य आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।